नसरुद्दीन शाह के इस बयान पर बीजेपी ने रिएक्ट किया है। उन्हें एक अच्छा अभिनेता तो कहा, लेकिन द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाने पर एतराज जताने के लिए उन्हें घेरा भी। दुनिया भर के लोग आज भारत में अपना विश्वास दिखा रहे, यहाँ आना चाहते हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। अभिव्यक्ति की आजादी है तभी हर कोई अपने बयान भी दे पाता है, अभिव्यक्ति की आजादी है तभी कोई हर तरह की फिल्म भी बना पाता है, और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो उस फिल्म की पूरी तह तक जाकर तब उनको परमिशंस देता है। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी फिल्में बनती हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, वो फिल्में लोकप्रिय भी हो रही हैं, तो जाने दीजिए। कुछ लोग उसको बैन कराने भी गए, सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं होने दिया। नसरुद्दीन शाह फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाई गई कहानी का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह स्टोरी मनगढ़ंत है और एक खास समुदाय को हिट करती है, जबकि द केरला स्टोरी की कहानी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन गैर मुस्लिम समाज की लड़कियों की सच्ची कहानी है जिनका धर्म परिवर्तन करके धोखे में रखकर ISIS ज्वाइन कराया गया। वैसे नसरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी से पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी झूठा करार दिया था। तब उन्होंने इस फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और पीड़ा को फिक्शन वर्जन बताया था, जबकि यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित थी। और दोनों ही फिल्मों को लेकर भ्रम फैलाने वाले नसीर साहब ये भूल गए कि उन्होंने बहुत पहले एक फिल्म परजानिया की थी। गुजरात दंगों पर आधारित इस फिल्म में वो मुख्य किरदार में थे, तो नसीर साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो परजानिया की कहानी को सही और द केरला स्टोरी की कहानी को गलत कैसे कह सकते हैं। और बात जहां तक तानाशाही की है, एक खास वर्ग को परेशान करने की है, तो उनका यह आरोप दुष्प्रचार की तरह लगता है, क्योंकि नसीर साहब को यह भी मालूम होगा कि भारत में मुसलमान कितने सुखी हैं, जबकि सीरिया ईरान जैसे इस्लामिक देशों में कितने बुरे हालात में हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, नसीरुद्दीन शाह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ झांक सकते हैं। इसके बाद भी समझ में ना आए तो 2022 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के बारे में उन्हें जानना चाहिए, जो कहती है कि मुसलमानों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार के मामले में भारत की स्थिति कई मुस्लिम देशों से काफी बेहतर है। इस रिपोर्ट में भारत को 100 में से 66 नंबर मिले हैं, जबकि कतर को 25 नंबर, ओमान को 24, यूएई को 17, बहरीन को 12 और सऊदी अरब को सिर्फ 7 नंबर मिले। इसीलिए हम चाहेंगे कि नसीरुद्दीन शाह जो हैं, उनको अपने देश में अच्छी अच्छी बातों को भी देखना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो लंबे वक्त से न जाने क्यों नफरत की जहरीली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दिसंबर 2018 में कहा था कि धर्म के नाम पर भारतीय समाज में जहर फैलाया जा रहा है, उन्हें भारत में डर लगने लगा। जनवरी 2020 में नागरिकता कानून पर कहा था कि 70 साल बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वो बतौर मुसलमान भारत में नहीं रह सकते हैं। जनवरी 2021 में लव जिहाद कानून को समाज को बांटने वाला अभियान कहा था। फरवरी 2023 में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मुगलों ने अगर इतना बुरा किया है तो लाल किला गिरा क्यों नहीं देते। सवाल इतना है कि नसरुद्दीन शाह की सोच सेलेक्टिव क्यों है? धन विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली बॉलीवुड फिल्मों पर वो चुप्पी क्यों साधते हैं, या फिर मुंह खोलते हैं तो इसे डायरेक्टर की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फ्रीडम क्यों कहते हैं? क्या द केरल स्टोरी डायरेक्टर की क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है? आखिर नसरुद्दीन शाह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश है क्या? और उससे भी बड़ा सवाल यह है, जब नसरुद्दीन शाह ने यह फिल्म ही नहीं देखी है तो इस पर कॉमेंट कैसे कर सकते हैं वो? उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी ना।